अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, लेकिन वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम इसको यहाँ पर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, फिर जो के हैं मैं आपको लोगों को इसका समराइज़ भी करूँगा, इसको मतलब एक समरी भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। याद रखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो के है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम इस पूरे टॉपिक को, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसकी समझ में आ जाए, सो इसको मैं फाइव पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इस टॉपिक को मैं फाइव पार्ट्स या टॉपिक्स में मैं इसको क्लासिफाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। यानी मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मैं पांच क्लासेस लूँगा, इस टॉपिक को मैं पाँच हिस्सों में तकसीम करता हूँ। अब कौन से फाइव पार्ट्स में, आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बहुत से लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इजी है अगर हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें और हम इसको मतलब स्टार्ट से मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में और इजी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा। सो कौन से इसको मैं फाइव टाइप्स में या फाइव और टॉपिक्स में फर्दर डिवाइड करता हूँ। सो एक है हमारे पास ये फाइव क्लासेस या फाइव टॉपिक्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। सो एक है ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। पहले में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आर या ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC आर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, यानी पहले पार्ट्स में हम ये स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फर्स्ट लेक्चर में, कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये तीन अलग टॉपिक्स है। यानी एक ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और थर्ड जो के है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड ये तीनों जो के है इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है। सो इन तीनों टर्म्स पर आप लोगों को समझना चाहिए कि मतलब इन तीनों का क्या मतलब है, फर्दर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके लिए ईजी हो जाएगा। दूसरा जो है ये तो फर्स्ट नंबर, अब दूसरा जो के हैं सेकेंड नंबर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, वो है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इतना स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड है। सो दूसरा जो कि हमारे पास आ गया, ये माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तीसरा जो कि है नंबर थर्ड, यानी थर्ड में यहाँ पर लिखता हूँ, नंबर थर्ड इज सम टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ टर्म्स है विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स वन कैसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा, कम्प्लेक्स टू कैसे कहते हैं, कम्प्लेक्स थ्री है, कम्प्लेक्स फोर है, ATP सिंथेज है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ रिलेटेड है। तो वो टर्म्स जो कि इसके लिए मैंने अलग टॉपिक रखा, ये हम अलग पढ़ेंगे। सो ये थर्ड नंबर टॉपिक हमारा हो गया। फोर्थ हम पढ़ेंगे प्रोसेस,
ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी फोर्थ हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी प्रोसेस हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ये नंबर फोर्थ हो गया। और लास्ट फिफ्थ नंबर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एटीपी सिंथेसिस, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की सिंथेसिस होती है। नंबर फाइव एज दी एटीपी सिंथेसिस, कि एटीपी की सिंथेसिस किस तरह होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो एटीपी सिंथेसिस हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा फाइव नंबर। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से और आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसको शॉर्टकट ETC भी इसको कहते हैं, मैंने इसको फाइव टॉपिक्स में डिवाइड किया है। और हर टॉपिक पर हम अलग अलग क्लास लेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ये समराइज भी करूँगा, मतलब लास्ट में मैं इसकी समरी भी मैं आपको कराऊँगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिर ईजी होगा। लेकिन पहले थोड़े से डिटेल में, आसान तरीके से डिटेल में करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़, पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन तीनों का क्या मतलब है। दूसरा हम माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तीन नंबर टॉपिक जो कि वो टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर फोर प्रोसेस, के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस किस तरह होता है। नंबर फाइव के इसमें ATP सिंथेसिस किस तरह होती है। सो ये फाइव हमारे टॉपिक्स हो गए। अब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि कुछ प्रोसेस है, कुछ टर्म्स है जो प्रोसेस से पहले हमें समझना होगा, यानी कुछ बिफोर प्रोसेस जो के हैं हमें समझना होगा, प्रोसेस से पहले हमें उसको समझना होगा कि इसका क्या मतलब है। जिस तरह ये जो पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिस तरह ये जो दूसरा टॉपिक है माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, और जिस तरह ये टर्मिनोलॉजी हो गया, कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कुछ ये तीन टॉपिक जो के है ये प्रोसेस से पहले हमें इसको समझना होगा, और एक टॉपिक है जो प्रोसेस के बाद आ रहा है, यानी आफ्टर दी प्रोसेस जो के है वो आ रहा है और उसको हमें समझना होगा, और है ATP सिंथेसिस। मीन इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ जो बेसिक चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्र होता है। लेकिन प्रोसेस से पहले भी कुछ चीज़ों को लर्न करना होगा, और एक चीज़ ऐसा है जो प्रोसेस के बाद हम इसको सीखेंगे। अगर हम ये चीज़ माइटोकांड्रिया और वो टर्मिनोलॉजी अगर हम इसको सीखें तो प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर प्रोसेस को करने के बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा कि इस प्रोसेस से हमें ATP सिंथेसिस किस तरह मिल जाती है, किस तरह हमें ATP मिल जाती है। सो रिमेंबर दीज फाइव टॉपिक्स जिसको हम इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, ये पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। सो इसको हम करते हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो आज पहला टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे कहते हैं ETC, एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्सीडेटिव, ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये कैसे कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है।
क्या होता है हमारे साथ कि जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन होती है सेल के अंदर, यानी व्हेन एवर द सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स, अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। हमारे साथ क्या होता है कि जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन होता है सेल के अंदर, एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। सो इस रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से शुरू हो जाता है कि इस सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो के है हमारे साथ ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑक्सीडेशन से, कि ऑक्सीडेशन से स्टार्ट हो जाती है। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन को जिस तरह आप लोगों को पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन को हम तीन तरीक़ों से डिफाइन करते हैं। एक हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, एक हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि दी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अ कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जब हम जब ये दोनों हम किसी ग्रुप को ऐड करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीडेशन हम इसको भी कहते हैं कि दी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी दूसरा डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, दी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी जो के हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी कंपाउंड से, किसी ग्रुप ऑफ एटम से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। या द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन का ये मतलब भी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन लूज हो जाती है किसी से एटम से, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो तीन डिफिनेशन आ गए ऑक्सीडेशन के, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अ केमिकल कंपाउंड, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन किस तरह है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि हमारे साथ ग्लूकोज जो के हैं, ग्लूकोज इसके साथ ऑक्सीजन जो के ये मिल जाता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस दौरान क्या होता है कि जब ये हमारे साथ ये पूरा प्रोसेस आकर होता है कि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें देता है, इन पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ इंटरमीडिएट्स दरमियान में आते हैं और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व इन बिटवीन दिस प्रोसेस, कुछ इंटरमीडिएट जो के है, इंटरमीडिएट जो के है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और वो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, अब इन इंटरमीडिएट्स में जो के हैं, कुछ इस तरह के इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को जो के हैं इसको डोनेट करते हैं। यानी कुछ इंटरमीडिएट इस तरह होते हैं विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स आर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यानी इन इंटरमीडिएट से इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन जो के हैं ये लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इन्हें डोनेट करते हैं दूसरे को। फिर क्या हो जाता है कि हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक को एंजाइम्स होते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक को एंजाइम्स होते हैं, और ये को एंजाइम्स क्या करते हैं, दी स्पेसिफिक को एंजाइम जो के हैं
ये जो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन है ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। दीज कोएंजाइम्स एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब कौन से ऐसे कोएंजाइम्स हैं, तो डिफरेंट कोएंजाइम्स हमारे साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ मोस्टली जो यहाँ पर यूज़ होता है सो एनएडी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल एनएडी प्लस, एफएडी प्लस, एनएडीपी हो गया, एफएमएन प्लस हो गया, इसी तरह कोएंजाइम क्यों हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जब ये स्पेसिफिक को एंजाइम्स एनएडी है या एफएडी है या एफएमएन है या को एंजाइम क्यों है, जब ये को एंजाइम जो के हैं ये इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, सो दिस इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस को एंजाइम्स, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इन को एंजाइम्स का ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं ये कोएंजाइम्स, सो ये इस ऑक्सीडाइज फॉर्म से कन्वर्ट हो जाते हैं इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल एनएडी भी कन्वर्ट हो जाता है इसके अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में, एफईडी भी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एफएमएन भी एंड कोएंजाइम क्यों भी, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एनएडी जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है सो इट विल कन्वर्ट इन टू रिड्यूस फॉर्म NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH में कन्वर्ट हो जाएगा, FMN कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोएंजाइम क्यों जो के हैं ये कोएंजाइम क्यों H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दीज कोएंजाइम्स। अब ये इन कोएंजाइम्स का रिड्यूस्ड फॉर्म है, कोएंजाइम्स का रिड्यूस्ड फॉर्म है। फिर क्या होता है कि दोबारा जो के हैं ये इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इन कोएंजाइम्स का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये फिर दोबारा क्या करता है कि ये फिर दोबारा ओ इलेक्ट्रॉन्स ये फिर दोबारा जो के उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स या जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ये वो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन दोबारा रिमूव करेंगे, मतलब दोबारा इससे रिमूव हो जाएंगे। सो जब इन रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम से जब दोबारा इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, फिर ये दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, FADH2 दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में, जब ये से हाइड्रोजन वापस रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, FADH2 दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में यानी FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 जो के है मानो न्यूक्लियोटाइड जो के, ये दोबारा FMN प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, QH2 दोबारा कोएंजाइम क्यों यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन पूरे प्रोसेस को कौन करता है यहाँ पर, सो यहाँ पर यानी इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर रिड्यूस फॉर्म से दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, और वो एंजाइम कौन सा है, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, यहाँ पर इन्वॉल्व है, कुछ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम एट इज अ क्लास आप इंजाइम्स विच कॉजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन कॉज करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। सो यहाँ पर अगर आप देखें सो कोएंजाइम जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन दोबारा इससे रिमूव हो गए, और फिर ये दोबारा रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन इससे रिमूव हुए हैं, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन जो के हैं यहाँ पर कुछ इसके लिए कुछ एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर इसके लिए होते हैं,
इस इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन, पहले ही तो ये प्रोसेस हो गया, अब इससे वापस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया, और इसके लिए क्या होते हैं यहाँ पर कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इसको फर्दर कैरी करते हैं। अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है जो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। सो अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि है ये है ऑक्सीजन, यानी फाइनली यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसके लिए होता है, यानी यहाँ पर हमारे साथ है ऑक्सीजन O2। ये इस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ये तैयार करेगा वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ हासिल होगा। यानी हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हासिल हो जाएगा। सो फिर क्या होता है इस पूरे रिजल्ट के प्रोसेस में, यानी ये जो अब ये पहला स्टेप था जो हो गया, अब ये दूसरा स्टेप्स है। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेप्स। ये जो प्रोसेस हो गया, इसके बाद जो प्रोसेस हो गया, अब ये पूरा प्रोसेस हो गया कि इसने कोई एंजाइम्स ने वापस इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसको गेन किया इलेक्ट्रॉन्स कैरियर ने और इसको कैरी किया और फाइनली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था जो उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और वो किया था ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन भी आ गए। सो ये तीनों मिलकर जो कि वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ तैयार होता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन अब इससे जो कि है क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर जब इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, सो इस दौरान जो कि है इस इलेक्ट्रॉन्स से जो कि है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इससे एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉन कैरी होती है इस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी एज रिलीज्ड इस दौरान एनर्जी रिलीज्ड होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज्ड होती है इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये एनर्जी असल में यहाँ पर क्या होता है कि ADP मौजूद होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, यानी ये दो चीज़ें हमारे साथ ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद होती है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट मौजूद होता है। सो ये एनर्जी जो के हैं इसको मिल जाती है या ये इस एनर्जी जो रिलीज़ हुए इससे पैदा उठाते हैं और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ADP प्लस फॉस्फेट मिल जाती है और ये हमें क्या देता है, ATP प्रोवाइड करता है, यानी इससे ATP जो के है हासिल होता है, इससे ATP हमारे साथ हासिल हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो इस पूरे प्रोसेस पर आप दोबारा एक नज़र दौड़ाएं। अब ये तीनों चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में किए थे कि ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक जो प्रोसेस है, जो ये पहला प्रोसेस था ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, क्योंकि पहले हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो के हैं जो इसने यहाँ पर जो इंटरमीडिएट थे इसने डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए कोई एंजाइम्स ने, फिर इसने दोबारा इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को लॉस किया, मतलब ऑक्सीडेशन अकर हो गया। सो दिस प्रोसेस, यहाँ जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं जो पूरी सेलुलर रिस्पायरेशन में आकर होता है, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन। फिर क्या हो गया, जब ये को एंजाइम्स जो थे इसने दोबारा इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को रिमूव किया और इलेक्ट्रॉन कैरियर ने हासिल किया
और फिर इसने कैरी किया उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टर की तरफ, और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको गेन किया जो ऑक्सीजन था, और इससे के साथ फिर हाइड्रोजन मिल गया और वाटर हमारे साथ हासिल हो गया। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी होती है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ इलेक्ट्रॉन कैरी हो जाती है, एक्सेप्टर की तरफ जाता है, इसी वजह से ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है और एक चेन में होती है, एक चेन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको रिस्पायरेटरी चेन भी कहते हैं। इस पर इस रिस्पायरेटरी चेन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फाइनली वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करता है, तो रिस्पायरेटरी चेन इसको क्यों, क्योंकि रिस्पायरेशन में भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम आउट करते हैं, तो चूँकि इसमें फाइनली ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किया, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में एंड हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको रिस्पायरेटरी चेन भी कहते हैं। तो अगर आपके जहन में आ रहा हो तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर की, ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसे कहते हैं, यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन हो गया, और क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक चेन में एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये जो यहाँ पर फाइनली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हमें जो एनर्जी रिलीज़ हुआ था, और ये एनर्जी रिलीज़ जो के हैं, इसने एडीपी के साथ फॉस्फेट को मिलाया और हमारे साथ एटीपी हासिल हो गया। सो दिस प्रोसेस इज दी आम तौर पर फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन, व्हाट इज़ मीन बाय फॉस्फोरिलेशन, किसी भी कंपाउंड के साथ जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर ये जो के हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसको कहते हैं, ये जो के हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट एडीपी के साथ मिल गया, यानी फॉस्फोरिलेशन तो हो गया, एटीपी हमारे साथ हासिल हो गया, क्योंकि ये फॉस्फोरिलेशन जो कि है इसको एनर्जी कहाँ से आ गई, इसको एनर्जी यहाँ से मिल गई, क्योंकि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑक्सीडेशन से, आप देख रहे हो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन से प्रोसेस शुरू हुआ है, यहाँ पर आकर इसने एनर्जी रिलीज़ हो गई, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ ऑक्सीडेशन की वजह से है, इसी वजह से इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है जो हमने क्लियर किया था, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो फॉस्फोरिलेशन हो गया है, प्रोसेस हो गया, ये इसके लिए जो एनर्जी है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से इसको एनर्जी मिल गई, सो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया। सो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, ऑक्सीडेशन भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी क्लियर हो गया, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है, पूरी की पूरी एनर्जी जो के हैं ये फॉस्फोरिलेशन में कंज्यूम नहीं होती है, इससे कुछ एनर्जी जो के हैं ये बच जाती है, रह जाती है, और ये एनर्जी क्या करता है, ये एनर्जी जो के हैं ये कैल्शियम को, कैल्शियम आयंस को माइटोकांड्रिया के अंदर लाते हैं, यानी कुछ एनर्जी इसमें कंज्यूम हो जाती है कि कैल्शियम जो कि ये माइटोकांड्रिया के अंदर आ जाए कैल्शियम, और इस दौरान जो कि है हमारे साथ क्या होता है, इस दौरान जो कि है हीट जनरेट होता है, इस दौरान हीट जनरेट होता है। नो याद रखिए कि इस प्रोसेस को जो कि है, अगेन आई रिपीट, कि कुछ एनर्जी तो इसमें कंज्यूम हो गई कि एडीपी के साथ फॉस्फेट मिल गया और एटीपी हमारे साथ तैयार हुआ, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एनर्जी रिलीज होती है, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम नहीं होती है, थोड़ा सा एनर्जी जो कि क्या करता है कि कैल्शियम को माइटोकांड्रिया के अंदर लाता है, और इस दौरान जो कि कुछ हीट रिलीज़ होता है, हीट जनरेट होता है। नो याद रखे इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को कहते हैं एनसेलरी रिएक्शन, इसको कहते हैं एनसेलरी रिएक्शन, इसको कहते हैं एनसेलरी रिएक्शन, इसको कहते हैं, यानी कुछ एनर्जी जो ऑक्सीडेटिव, जो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान रिलीज हुई थी, थोड़ी सी एनर्जी जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यानी ये जो एनर्जी रिलीज था, इसने दो प्रोसेस किए। एक इसने वन इट कॉजेस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड इट आल्सो कॉजेस एनसीडी रिएक्शन। ये दो प्रोसेस काज करेगा, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और दूसरा एनसीडी रिएक्शन ये काज करेगा। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें तो एक्सप्लेन हो गए, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ, एनएडी के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, एफएडी के बारे में भी। ये जो को एंजाइम क्यों है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, को एंजाइम क्यों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सो को एंजाइम क्यों ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो को एंजाइम क्यों क्या चीज़ है, को एंजाइम क्यों, को एंजाइम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, को एंजाइम क्यों। को एंजाइम क्यों जो कि ये माइटोकांड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, द लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, इसमें अकर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये विटामिन के साथ बिल्कुल रिलेटेड स्ट्रक्चर है, इसके साथ रिजेम्बलेंस रखता है। और याद रखिए कि को एंजाइम क्यों जो के हैं ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट को एंजाइम्स हमारे साथ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और ये जो को एंजाइम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ये क्यों होते हैं, ड्यू टू द आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर। यानी अगेन आई रिपीट कि डिफरेंट को एंजाइम्स क्यों आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर। आइसोप्रीन यूनिट क्या है, आइसोप्रीन यूनिट के बारे में याद रखें कि दिस इज़ दी फायो कार्बन कंपाउंड, द आइसोप्रीन यूनिट इज अ फायो कार्बन कंपाउंड। इंशाल्लाह बिल्कुल सिंपल है, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आइसोप्रीन यूनिट क्या है, इट इज़ अ फायो कार्बन कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर है CH2CH कार्बन CH3CH2N। अब आप यहाँ पर देखें ये फाइव कार्बन्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। सो आइसोप्रीन यूनिट इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड, इट कंटेन्स फाइव कार्बन, फाइव कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो यूनिट है ये डिफरेंट होती है, इसकी तादाद डिफरेंट होती है डिफरेंट को एंजाइम्स क्यों के स्ट्रक्चर में, और इसी वजह से एक को एंजाइम क्यों जो कि है दूसरे से डिफरेंट होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है को एंजाइम क्यों का। अभी मैं आपको को एंजाइम क्यों का स्ट्रक्चर भी कराऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रीन यूनिट जो कि है इसकी वजह से डिफरेंट होती है। नाउ द को एंजाइम क्यों स्ट्रक्चर जो कि इसका किस तरह स्ट्रक्चर है को एंजाइम क्यों का, ये आप लोगों को मैं आपको एंजाइम क्यों का स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है, क्या है कि आप जिस तरह बेंजीन स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हो इस तरह बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रा करो, अब ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या है कि इसके जो पैरा पोजीशन है ये पोजीशन और ये पोजीशन, इस पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर जो के हैं ओ सी एच थ्री यानी ऑक्सीजन और सी एच थ्री, इसके साथ भी ऑक्सीजन एंड सी एच थ्री। अब यहाँ पर भी एक सी एच थ्री अटैच है और यहाँ पर जो के हैं ये आइसोप्रीन यूनिट अटैच है यानी सी एच टू। देखो ये जो आइसोप्रीन यूनिट मैंने आपको किया था ये यहाँ पर मैं लाता हूँ, ये यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर जो ये आइसोप्रीन यूनिट है तो को एंजाइम क्यों जिसकी हम बात कर रहे हैं
जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर क्या है कि इसके 10 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं को एंजाइम क्यों के अंदर, एक को एंजाइम क्यों के स्ट्रक्चर में 10 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं और फिर लास्ट में इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ को एंजाइम क्यों। सिंपल तरीके से आप इसको किस तरह याद करेंगे कि दोनों पैरा पोजिशन पर ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। अब OCH3 इस साइड पर भी एस कार्बन और एस कार्बन के साथ OCH3 फिर यहाँ पर सिर्फ CH3 है, इस साइड पर OCH3 यहाँ पर सिर्फ CH3 ग्रुप है और फिर यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट को अटैच करो 10 आइसोप्रीन यूनिट्स को। यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रैकेट में लगाया क्योंकि ये आगे चेन पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो 10 आइसोप्रीन यूनिट्स हो गए, लास्ट में हाइड्रोजन। इस पर आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये आपका को एंजाइम क्यों का स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ को एंजाइम क्यों। या इसको हम शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से बॉन्ड्स की तरफ देखो, ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर जो कार्बन है तो इसके 1 2 3 यानी इसके बॉन्ड पूरे नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन इस दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। अब आप काउंट करें तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे और इस तरफ भी यानी आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने इसके डबल बॉन्ड है। अब आप काउंट करें तो सारे बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। अब इसको हम इस तरह भी इसके स्ट्रक्चर को शॉर्टकट हम इस तरह भी इसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग को ड्रा करो, दोनों साइड पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर भी OCH3, यहाँ पर सिर्फ CH3, यहाँ पर आप लगाए R ग्रुप, सिर्फ R लगाए यहाँ पर। लेकिन आपके जहन में ये हो कि ये R का क्या मतलब है, R represents isoprene unit। सो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह इजी होगा ये स्ट्रक्चर कोएंजाइम क्यों का। लेकिन कोएंजाइम क्यों के लिए आप लोग याद रखें कि कोएंजाइम क्यों जो के है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूबीक्विनोन्स, इट इज़ आल्सो, ये इसका दूसरा नाम है, यूबीक्विनोन्स भी इसको कहते हैं। यूबीक्विनोन्स इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज यूबीक्विनोन्स जो के हैं इसका मतलब है फाउंड एवरीवेयर या यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है यूनिवर्सल। यूबीक्विनोन्स का क्या मतलब है, ये यूबीक्विनोन्स जो के हैं इसका मतलब है फाउंड या यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन या फाउंड एवरीवेयर। चूँकि कोएंजाइम क्यों भी हमारे साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए द कोएंजाइम क्यों इसका दूसरा नाम भी याद रखें, यूबीक्विनोन्स भी इसको कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और ये जो कोएंजाइम क्यों है, कोएंजाइम क्यों ये असल में 2 फॉर्म्स में अकर होता है, द कोएंजाइम क्यों अकर्स इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में अकर होता है, 2 फॉर्म में। अब एक फॉर्म जो कि इसका क्या है, एक इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, एक ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अकर होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसको कहते हैं R, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल, हम इसको कोएंजाइम क्यों भी हम इसको कहते हैं, कोएंजाइम क्यों भी इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, या इसको यूबीक्विनोन कहते हैं। इस दौरान ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसको कहते हैं यूबीक्विनोन, इसको कहते हैं यूबीक्विनोन, इसको कहते हैं। सो कोएंजाइम क्यों 2 फॉर्म में होता है, या तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसको कोएंजाइम क्यों भी कहते हैं या यूबीक्विनोन भी कहते हैं। दूसरा जो फॉर्म है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, यानी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिड्यूस्ड फॉर्म, या रिड्यूस्ड फॉर्म में इसको कोएंजाइम क्यों H2 भी इसको कहते हैं, कोएंजाइम क्यों H2 भी इसको कहते हैं,
यानी इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, एच टू ऐड करें तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया कोएंजाइम क्यों एच टू, और इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसको यूबीक्विनोन कह देते हैं, यूबीक्विनोन। अब यहाँ पर यूबीक्विनोल भी इसको कहते हैं यूबीक्विनोल, क्विनोन से यहाँ पर क्विनोल हो गया, ओ एल यहाँ पर है और यहाँ पर ओन है। सो ये इसका रिड्यूस फॉर्म है, दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम क्यों, और स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो या सिंपल ये स्ट्रक्चर आपको याद हो, सो स्ट्रक्चर भी ईजी है। स्ट्रक्चर किस तरह ईजी है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यूबीक्विनो कोएंजाइम क्यों का, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, ये एक बॉन्ड को ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड करो, इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड करो, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अब यहाँ पर देखो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड आर ग्रुप, आर मीन्स आइसोप्रीन यूनिट की तरफ इशारा करता है। सो क्या है कि इसके साथ जब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, सो एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करो और दूसरी हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करो, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। सो जो बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर अब रिड्यूस फॉर्म का आ जाएगा, ये इस तरह स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिड्यूस फॉर्म आपको एंजाइम क्यों, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर भी ओ एच, ओ, अब देखो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और पहले सिर्फ ऑक्सीजन था, अब इसके साथ दो हाइड्रोजन हमने ऐड किए, सो ये ओ सी एच थ्री अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर भी ओ सी एच थ्री अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर सी एच थ्री अपनी जगह पर, और यहाँ पर आर ग्रुप अपनी जगह पर। सिर्फ क्या हो गया कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन किया। नाउ दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म आपको एंजाइम क्यों या यूबीक्विनोल का स्ट्रक्चर है, ये यूबीक्विनोन का, ये यूबीक्विनोल का स्ट्रक्चर है। दोनों साइड पर हमने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड किया, लेकिन अब इसके साथ याद रखिए कि बॉन्ड जो कि यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हर कार्बन को चार बॉन्ड पूरे करने हैं, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर याद रखें कि ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिड्यूस फॉर्म आपको एंजाइम क्यों। सो इंशाल्लाह हमारा ये एक टॉपिक हो गया, फर्स्ट टॉपिक हमारे साथ किया था ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, ईटीसी का, कि यह हमने एक्सप्लेन किया। अब ये टॉपिक हमारा हो गया, ये टॉपिक हमारा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह क्या होगा, माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया। इस तरह अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो जो मेन प्रोसेस आ रहा है ये आपको इजीली इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस शुरू करें, ना आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का पता हो, ना आपको माइटोकांड्रिया का पता हो, ना आपको ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का पता हो, तो फिर आपको प्रोसेस पर सही समझ नहीं आएंगे आप लोगों को फिर, इसलिए हम पहले ये करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह माइटोकांड्रिया होगा। सो इंशाल्लाह इस टॉपिक को सही तरीके से समझ, मतलब इसको स्टडी करें और इसको सीखने की कोशिश करें और इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक माइटोकांड्रिया इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो थैंक यू।